बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। तो इसी किंग के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो ये हमारा आज का टास्क क्या है, आज हमने छत पे लुक लगानी है। तो मिस्त्री साहब को बुलाया हुआ है, वो आ गए हैं, तो छत पे हम लुक लगाएंगे और जो है ना उसके बाद वो छापा लगे। ये जो है ना मिस्त्री सजाद भाई हैं हमारे, ये लुक मिस कर रहे हैं। ये लुक की बाल्टी है और इसमें जो है ना ये जो डीजल है ना ये डाल रहे हैं। एक बाल्टी के अंदर जो डीज़ल है वो डालना होता है 3 लीटर। तो ये दो बाल्टियाँ हैं, इस 3 से 4 लीटर डालना होता है एक बाल्टी के अंदर। तो हमने अभी जो है ना ये दो बाल्टियाँ इसमें डाल लिया, तकरीबन 4 3 लीटर एक में डाला है और बाकी 3.5 लीटर एक में डाला है, तकरीबन 7 लीटर होने वाला है। तो बाकी जो अंदर बाल्टियाँ पड़ी हुई हैं वो आपको दिखाता हूँ मैं। अंदर हमारी 6 बाल्टियाँ अभी पड़ी हुई हैं। ये हमारी हैं बाल्टियाँ पड़ी हुई हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारी 6 बाल्टियाँ पड़ी हुई लुक की। तो जो है ना अभी ये पूरी छत पे हमने लगानी है लुक। इसका जो फ़ायदा ये है कि जो है ना छत को एक तो जो है पानी ये नहीं जाता, मजबूती रहती है, और बाकी जो है ना जो पूरी छत है ना इस पर अभी लगाएंगे लुक। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब बारिश होगी तो बारिशों का जो सैलाब होता है वो नीचे नहीं जाता, ताकि जो पानी सीमता है ना वो लेंटर को नुकसान नहीं पहुंचाता और छत को मजबूती रहती है। इसके बाद अभी जो है ना लुक के बाद इसके ऊपर शापर डालना है। अभी हमने शापर डालने के बाद जो है ना जनाब हमने इसके ऊपर मिट्टी डालनी है। तो शापर भी हमने ला कर रखा हुआ है, ये हमारा शापर पड़ा हुआ है, ये हमारा शापर है, ये हमने शापर रखा हुआ है। ये शुभाग भाई अब ना छत पे लुक मार रहे हैं। ये लुका तो ये और इस को छत पे मार रहे हैं। वो जो है शापर डाला हुआ है इसके ऊपर आप मिट्टी डालेंगे। इसका फ़ायदा यह है कि जो है ना पानी जब बारिश होगी ना तो पानी नीचे नहीं जाएगा लेंटर में, तो लेंटर में नुकसान नहीं होगा। तो ये जो सारा शापर डाला हुआ है छत पे और इसके अलावा जो है लुकड़ी डाली हुई है। ये सारी लुकड़ी लगाई है और इसके ऊपर शापर डाला हुआ है। तो फाइनली जो है ना हमारी छत पे लुक भी डल गई है और जो है ना उस पर जो शापर भी डल गया है। तो आज सारा दिन यही काम हुआ है। शापर पहले काटा था हमने इक्वल पीसीज में, तो पहले लुक लगाई, उसके बाद शापर जो काटा था इक्वल पीसीज में वो उसके ऊपर फेंक के ना अच्छी तरह साथ अब चिपक गया है। अब ना ये साथ बिल्कुल चिपक गया, अभी साथ उतर नहीं रहा, ये बिल्कुल ना टाइट हो गया। तो इसका फ़ायदा ये था कि जनाब मैंने आपको पहले बताया था कि जब बारिश होती हैं तो जो पानी है ना वो लेंटर के अंदर नहीं जाता, लाइक पानी सिम सिम के अंदर नहीं जाता, तो जिससे लेंटर की मजबूती रहती है और लेंटर जो ख़राब नहीं होता। तो बाकी जो है ये जो मिट्टी डाली हुई है ये इसलिए डाली हुई है कि ना ये निशान लगाया उसने, छत का लेवल किया उसने, लेवल पाइप के ज़रिए उसने छत के लेवल करके निशान लगाए हैं। उसके बाद उन्होंने ईंटें रखी हुई हैं कुछ, ये ईंटें वगैरह पड़ी हुई हैं, ये ईंट पड़ी हुई है,
इसके बराबर हमने ना इसके लेवल के बराबर हमने मिट्टी लगानी है, लाइक इसके ना इक्वल हमने इस तरह मिट्टी लगानी है। तो बाकी ये कुछ इंटे इस ये भी रखी हुई हैं, मिट्टी की लाइनें लगाई हुई हैं, इसके इक्वल हमने मिट्टी लगानी है। तो फिर इसको हमें ऊपर से कुटाई करके अच्छी तरह फिर उस ऊपर टाइल लगेगी। तो लेवल इसलिए करवाया ताकि बारिश का पानी जो है ना वो उस साइड पर चला जाए। हमने वहाँ से पाइप रखा हुआ है, वहाँ से जो है ना वो पाइप किधर पानी चल जाएगा, और एक वहाँ से रखा हुआ है और एक हमने पाइप रखा हुआ है इस जगह से, वहाँ से बिल्कुल बिल्कुल वहाँ से। तो उस जगह से ना पानी जो है ना वो नीचे उतरेगा। तो बाकी जो है ये छत का हमारा व्यू है। तो आज के लिए यही था टास्क हमारा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और इस पर कमेंट कर दें। तो इस यकीन के साथ कि आप खुश रहेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।